परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, व्याप्त है सब में, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। भगवान सर्वत्र हैं यह जान लेना ज्ञान है। प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति तो प्रेम में होती है। घट घट साई रमि रहा सूनी सेज न कोए, बलिहारी व सेज की जाघट परगट होए। दूध में घी रहता है यह सत्य है, यह पता लगा है, पर प्राप्ति तो तब होगी जब प्रीति पूर्वक विधि के साथ मंथन करके घृत को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, भगवान कहाँ मिलेंगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं आप कहाँ से प्राप्त करना चाहते हो, जहां से प्राप्त करना चाहो वहीं से मिलेंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि जब परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। किसी जिज्ञासु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि हवा भी तो सर्वत्र है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या है। सब जगह रहने वाली हवा भी जैसे बिना पंखे के हमें प्राप्त नहीं होती, इसी तरह सर्वत्र रहने वाले परमात्मा की कृपा और उनके सानिध्य का एहसास बिना मंदिर के नहीं होता। इसीलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।